गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू फाइन बच्चों, एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो बच्चों, आज आपको क्या, आज आपका किस चीज़ का टर्न है? मैथ का टर्न है, ठीक है? तो मैं आपकी रजनी मैम, बच्चों आज आपका मैथ का टर्न है। जैसे कि हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो न्यू ईयर के साथ साथ हमारा और भी, तो हमारा थर्ड टर्म भी तो स्टार्ट हो चुका है ना, है ना? तो अब हमारा थर्ड टर्म भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि हम आपको अब कराएंगे। जैसे कि अभी तक आपको जो भी वर्क कराया गया है, अब आपके एग्ज़ाम भी हो गए हैं बच्चों, है ना? तो हम आपको, अब थर्ड टर्म आपका स्टार्ट होगा। जब भी आप अपना वर्क करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट का वर्क करेंगे, सबसे पहले मैं आपको मैथ का ही बता दूं, क्योंकि आज आपका मैथ का टर्न है। तो बच्चों, सबसे पहले जब भी आप अपनी नोटबुक निकालेंगे मैथ की, तो मैथ की नोटबुक में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले बच्चों, जो हमारा, जैसे मान लीजिए हमारी मैथ की नोटबुक है, ठीक है, तो हमारा ये पहला पेपर है ना, ये वाला पेज, तो इस पेज पर हम लिखेंगे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म स्टार्ट, यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट पेज से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, है ना? ऐसे ही बताती हूँ ना मैं, मैंने आपको बच्चों फर्स्ट टर्म में भी ऐसे ही बताया था और सेकंड टर्म में भी। अब आपको थर्ड टर्म में भी मैं यही बोल रही हूँ कि आप सबसे पहले आप अपना थर्ड टर्म डालेंगे एक पेज पर, और दूसरे पेज पर आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। अब तक आपको हमने काउंटिंग कहाँ तक करवाई है? हमने काउंटिंग आपको करवा दिया है 150 तक। कहाँ तक कराई है हमने? 150 तक हमने आपको काउंटिंग करवा दी है। अब थर्ड टर्म में आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी कहाँ से? यानी कि आपकी काउंटिंग होगी 151 to 200। कहाँ तक होगी? 200। जैसे सपोज कीजिए आपकी मैथ की नोटबुक है, मैथ की नोटबुक में आप अभी बल बॉक्सेस तो आपके बने हुए हैं ही, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी, आपको इसी तरह से अपनी बुक में, नोटबुक में ये वर्क करना है और अच्छे से याद भी करना है, यानी कि लर्न भी करना है आपको ये काउंटिंग, ठीक है। तो बच्चों, जैसे हमारा ये है 100, क्योंकि अब हमारी 100 की काउंटिंग से आगे अब हमारी स्टार्टिंग हो रही है। तो जो 100 की काउंटिंग हमारी स्टार्ट होती है, वो कितनी डिजिट में होती है? 3 डिजिट में होती है। जैसे कि 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, यानी कि 60, 100, 160, 160। फिर है हमारा 171, 162, 163, 174, 175, 176, 178, 179, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180। तो इसी तरह से 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 90। फिर हमारा वही स्टार्ट होता है 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 200। तो ये हमारी बच्चों 200 तक काउंटिंग हो गई है। अभी तो बच्चों मैंने आपको ये ब्लैक बोर्ड पे कराया है, ब्लैक बोर्ड पे मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ कि किस तरह से काउंटिंग को बोलते हैं, किस तरह से काउंटिंग हमें करनी है। तो बच्चों ये वर्क आप अपनी नोटबुक है, वैसे तो मैं आपको नोट्स भेजूँगी बच्चों, ये आपकी वीडियो है, वीडियो मैंने इसलिए आपको बताई है कि ताकि आपको
काउंटिंग बोलनी सीखनी सीख आप अच्छे से बोलना सीख जाओ, है ना, क्योंकि आपको बोलना नहीं आता है। 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 160। फिर हमारा ऐसे ही है 161, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 170, 170। तो बच्चों आपको इसी तरह से अपनी ये जो काउंटिंग है आपकी, आपको इसे लर्न भी करना है और आपको अपनी नोटबुक में भी अच्छे से इसे राइट करना है, ठीक है, और लर्न भी करेंगे। तो बच्चों बहुत ही नीट एंड क्लीन आप अपनी ये नोटबुक में वर्क करेंगे, ठीक है। मैं आपको नोट्स भी अभी, बच्चों ये तो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाया है, वैसे मैं आपको नोट्स भी सेंड करूँगी, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।